अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बशारत रशीद। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे त्राल इलाके के पिंगलिश गांव से ताल्लुक रखने वाली माहिरा शाह के बारे में, जो कि वादी कश्मीर के उभरते हुए फनकारों में से एक है। माहिरा मन रात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है और हाल ही में अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाने में कामयाब हुई। मंडला आर्ट के जरिए कैसे खूबसूरत शिकारा बनाने में कामयाब हुई माहिरा और किस तरह से उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, आइए उन्हीं से सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मेरा नाम माहिरा शाह है और मैं त्राल की लड़की हूँ। मैंने अपनी स्टडी MTI से ख़त्म करी है और मैं एक मंडला आर्टिस्ट हूँ। रिसेंटली मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आ गया है। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड मंडला आर्ट में बनाया है। मैंने एक शिकारा बनाई थी, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट शिकारा, जो कि अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने अप्लाई किया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जो परसों मेरा अब अप्रूव हो गया है और इंशाल्लाह विद इन 15 डेज मुझे उसका फल भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप मुझे बताएं क्या क्या आप बनाते हैं अभी और आप क्या चाहते हो, मतलब मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आप अपना नाम शामिल करना चाहोगे तो पूरी डिटेल बताएं। जी, मैं एक मंडला आर्टिस्ट हूँ। मैं मतलब मुझे ऑर्डर्स आते हैं, उसी से कस्टमाइज मैं करती हूँ ऑर्डर्स और उसमें मैं कैलीग्राफी भी करती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं मतलब मंडला में ही आर्ट करती हूँ। और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरे आर्ट को लुकआउट करे, मुझे आगे पहुँचाए, ताकि मैं इस आर्ट को, क्योंकि कश्मीर में अभी एक लड़की थी 2020 में, शायद अभी वो मतलब नजर नहीं आ रही है क्योंकि उसको एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा लड़कियों पे ध्यान नहीं देता। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस आर्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन नजर दे, मेरे इस मतलब आर्ट पे देखे, जो मैंने अचीव किया है वो मैंने अचीव नहीं किया, वो मेरे कश्मीर ने अचीव किया है, वो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने अचीव किया है। तो ये सफर जो है आर्टिस्ट बनने का सफर, ये असल में कब से शुरू हुआ? जी, बचपन में ही जब हमारा स्कूल में होता था, कंपटीशन लगता था, तो मैं पार्टिसिपेट करती थी। मैं ये नहीं कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, मैं हमेशा से पार्टिसिपेट करती थी, चाहे फिर मैं उसमें क्वालिफाई हो जाऊं, चाहे मुझे उसमें प्राइज मिले, कुछ मिले, लेकिन मैं मतलब इसमें अप्लाई करती थी। ऐसे ही मेरा शौक बढ़ा और मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। ये नहीं कि आप डॉक्टर बनो, जो कि आज फादर्स मदर ऐसे बोलते हैं आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जी नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। आप आर्टिस्ट हो, आप आर्ट में ठीक हो, आप आर्ट करो। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, जो आपका दिल करे आप वही करो। ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स के फोर्स से फोर्सफुली आप कुछ डॉक्टर बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो। मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में। वैसे तो ये मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है, ये पूरे कश्मीर के लिए अचीवमेंट है, ये पूरी मतलब यहाँ लड़कियों के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को बोला जाता है आप कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत कुछ कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ कर पाएगी। अब मेरा आगे से यही प्रोग्राम है कि मैं और मतलब ऐसी ऐसी चीजें बनाऊं जो मेरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करे। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई है जो अभी तक कश्मीर में किसी लड़की ने लाट में नहीं बनाई है, जैसे कि मिश इंदर बनोमज, मिश कांगड़ बनोमज, मिश यह शिकारा बनोमज, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी मैं ऐसी ही और चीजें बनाऊंगी इंशाल्लाह। आपकी क्या मैसेज है उन यंग कैलीग्राफर्स के लिए जो इसमें मतलब आना चाहते हैं, इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, तो कैसे वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं? जी, पहले तो उनका सपोर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो उनके पेरेंट्स है, मैं उनसे पहले अपील करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। वो जो आपको बोलना चाहते हैं मतलब आप उनको समझो, आप एज फ्रेंड उनके। मेरे जो फादर है वो, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं आप मतलब बाप हूँ तेरा, उसने मुझे हमेशा ये बोला दुआस, जो भी मुझसे आप शेयर करो, जो भी है, मतलब मैंने तभी मैं बोल पाई अपने फादर को अबू मुझे ये करना है, मिच हु करूं, मिच मतलब मैं इसमें ठीक हूँ, मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। जब मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया तभी मैं यहाँ पे पहुंची। उसके बाद मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ जो इस मंडला आर्ट करना चाहते हैं या इस फील्ड में किसी भी आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, आप आ जाओ, मतलब इसमें स्कोप भी अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाती भी हूँ इससे, मुझे ऑर्डर्स भी आते हैं और मैं हर जगह मतलब इंडिया में भी, अगर आउट ऑफ कश्मीर भी मुझे ऑर्डर मिलते हैं, मैं वहां भी भेजती हूँ। ये